ऐसा सिटी वॉक पहले पार्टनरशिप कंसर्न थी जो मैं पॉलिटिक्स में बिजी था, मैं कभी देखता नहीं था इसको, लेकिन हमारी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई तो हमने रियान की लीडरशिप में सिटी वॉक को फिर से रिनोवेट किया, फिनिशिंग किया और उसको जो है अब जो आज इसकी नई ओपनिंग कर रहे हैं और ये हमारी एक मेन ब्रांच है, लेकिन बहुत जल्द मुंबई में और बहुत सारे इलाकों में सिटी वॉक की ब्रांचेस खुलने जा रही है। आपसे जानना चाहूँगा क्या नई पॉलिसीज, क्या क्या प्लान्स है सिटी वॉक, अभी जैसे सर ने कहा कि नया शुरू हो चुका है, तो आपके क्या प्लान्स है इसको लेकर? हम लोग कलेक्शन पहले थोड़ा ओल्ड था, इट वॉज फॉर द हायर एज ग्रुप, बट नाउ वी हैव एम्ड फॉर पीपल ऑफ अ यंगर एज ग्रुप लाइक द टीन्स एंड एवरीवन, फॉर कॉलेज गोइंग people and everyone like that. That's a main point. Sir, as a politician, कितना brand conscious आप हैं, अगर उस बारे में कुछ बताएं? मैं old हूँ ना, तो हमारा old brand अभी ये young बच्चा आया हुआ है और ये जो है modern है, तो ये अपनी choice से लाएंगे इधर, जो आज market में जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें इस shop में आएंगी और इसको जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे business करना चाहते हैं। सर, हमारा देश जो है 75th इंडिपेंडेंस इस साल सेलिब्रेट करने वाला है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर 75 साल हो गए, अब आगे आने वाले समय में और क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, और अगर इस बारे में कुछ बताएं हमारी जी? देश की आज़ादी को 75वां साल तो हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर में फ्लैग देना है और फ्लैग बांटा जा रहा है, लेकिन लोग फ्लैग लेके घूम रहे, उनके पास घर ही नहीं है। फ्लैग तो मिल गया लेकिन घर नहीं मिला आज तक, तो लगाए कहाँ फ्लैग? 75 साल आज़ादी के हो गए लेकिन आज रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए कम से कम रहने के लिए इंसान के पास दो कमरों का घर हो। जब होली और दिवाली आए, ईद और बकरीद आए, तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो अपने घर में बैठ करके अपना त्यौहार अच्छी तरह मनाए और अपने पड़ोसी को भी दो मिठाई खिलाए, तो हम समझते हैं कि देश की सच्ची आज़ादी हुई। देश की आज़ादी जब हुई थी तो एक संविधान बनाया आज़ादी के बाद, उसमें मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को एक तरह का हक मिला है, लेकिन मुझे लगता है अब यह हक कुछ छीनने की तैयारी है। मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, सब बिक गया, कुछ बना नहीं, सब बिकते जा रहा है। देश को झुकने नहीं दूंगा, चाइना वाले घुस के बैठ गए। मैं समझता हूँ हम सबको मिल करके एक बार, कहते हैं ना कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, एक बार और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए ताकि देश में रहने वाले समाज के आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। सर, आज भी आप एक जगह पे प्रोटेस्ट करने गए थे, सर उस बारे में कुछ बताइए। सर, मुंबई शहर आज पूरी दुनिया में परेशान का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आप दिल्ली में देख रहे हैं क्या हो रहा है। मुंबई शहर के अंदर बिल्कुल पॉपुलेशन जहाँ है वहाँ, जहाँ पूरे जितने मेडिकल वेस्ट होते हैं, आदमियों के हाथ काटे जाएं, पैर काटे जाएं, बदन का हिस्सा और कुत्ता कोई मर जाए, सब वहीं जलाए जाते हैं। और एक टाटा इंस्टीट्यूट की एक वो है खोज है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की एज का एवरेज जो है ना 39 ईयर्स है, इन्हीं वजहों से। और वो कंपनी से जो धुआं निकलता है बहुत ख़तरनाक बीमारी बढ़ती है, उस कंपनी को बंद करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी तक बंद नहीं किया, वही हमारा संघर्ष था कि जल्दी से इसको बंद किया जाए, उसको वहाँ से ट्रांसफर किया। सर, अगर सिटी वॉक की बात करें तो क्या आज का दिन कितना स्पेशल है? आपका जन्मदिन भी है आज और सिटी वॉक का नया दौर शुरू हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम खुशी हमें बहुत इस बात की, बच्चे ने, मेरा नवासा है, बच्चे ने इसको अच्छी तरह इन्वेट किया हुआ है और हम सब खुशी के हमारे जीवन में इसी दिन, इसीलिए इस दिन बाद हमने आज ही के दिन इसको जो है अपनी ओपनिंग रखी है और कोशिश करेंगे कि जल्द से ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खुल जाएँ, सब खुशी की बात हमारे लिए। सर, मोदी जी ने एक मिनट के लिए आइए, तिरंगे का फोटो लगाने के लिए तो आप उस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? अरे, तिरंगा तो हमारे दिल में है जी, हम तिरंगा तो दिल में है, सबसे बड़े सेकुलर हम लोग हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ, हमने एक मुस्लिम कंट्री को लात मार के हम भारतवर्ष में सेकुलर कंट्री में है, इससे बढ़िया पहचान क्या हो सकती है? हमारे दिल में पहचान को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे हाथ में, हमारे दिल में हमेशा तिरंगा रहता है, हम भगवा नहीं लगाएंगे।
एंड तिरंगे ही लगाए, कुछ लोग भगवे वाले हैं जो तिरंगे की बात कर रहे हैं। सर महंगाई और बेरोजगारी ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो बढ़ती ही जा रही है देश में, कम होने का नाम नहीं ले रही है, बारे में आप कुछ। मुझे लगता है जिन लोगों के हाथ में सरकार आ गई है ये लोग सरकार चलाना जानते नहीं। रोजाना डॉलर का भाव बढ़ रहा है, रुपए गिर रहा है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक कि आटा दाल चावल रोजाना खाने की चीजों के ऊपर भी GST लग रही है। मैं समझता हूँ इसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, और लाखों लाख करोड़ रुपया लोगों को कर्ज दिया जा रहा है, लोग भाग जा रहे हैं लेके, वो सारा बोझ जनता पे पड़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर इस सरकार के अंदर इनको सरकार को जानकारी नहीं है तो कम से कम जो लोग जानते हैं उनसे बुलाकर बात करके सरकार चलाना चाहिए, ना कि अनाड़ी की तरह सरकार चला दी जाए और आज जो है महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर रोक नहीं लग पा रही। जन्मदिन मुबारक हो, और थैंक यू, मुझे ये स्टोर के लिए बुलाया, इनवाइट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और मैंने मतलब चूज़ भी किए कि ये सब मैं उठा के लेके जा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है। और मैंने पहले भी बताया कि जो आपका कलेक्शन है बहुत सुंदर है, और कोई भी ये दुकान में आएंगे तो एक चीज़ मिनिमम उठा के लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और आप कितनी ब्रांड कॉन्शियस है अगर उस बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली ब्रांड कॉन्शियस के बारे में इतना मैंने मतलब द थिंग इज आई एम वेरी यू नो फैशनेबल पर्सन, लेकिन मैं जो हूँ मैं अपना कंफर्ट भी देखती हूँ। तो मेरा ऐसे नहीं है कि मुझे यही ब्रांड चाहिए या यही ब्रांड चाहिए, मुझे जो अच्छा लगा और जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वो उठाती हूँ और वो पहनती हूँ। हरिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे सिटी वॉक के बारे में? सर का जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आपको भी और हैप्पी बर्थडे सिटी वॉक को भी, क्योंकि उसका बहुत अच्छा ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है। आई होप कि जिस हिसाब से आपने अभी नया लुक क्रिएट किया है उसकी शुभकामनाएं और सारी कामयाबी आपको मिली है। मेरी सारी दुआएं आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। और जैसे इशिता जी को मैंने पूछा था कितनी ब्रांड कॉन्शियस है, और यहाँ पे शूज़ के बहुत सारे कलेक्शंस हैं, अगर उस बारे में बताएं कि कैसा लगा ये कलेक्शन आपको? आई थिंक कि मुझे बस दो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं मेरे वार्डरोब में, एक तो मेरे बाल बहुत अच्छे सेट होने चाहिए और मेरे जूते बहुत अच्छे हाई होने चाहिए। तो आई थिंक फॉर मी शूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक मैं कपड़ों से ज़्यादा जूतों को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। आई रियली मेक श्योर कि माई शूज़ आर वेरी कम्फर्टेबल, बट आई लाइक वेयरिंग हाई हील्स जो आई थिंक सिटी वॉक में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आई लाइक कम्फर्ट प्लस हाई हील्स जो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत अच्छे। और एक सवाल मेरा आपसे है सर कि आजकल फिल्मों को लेकर पॉलिटिक्स काफ़ी खेली जा रही है, कश्मीर वाले हो या बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा हो, फिल्मों को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत हो रही है, तो क्या लगता है फिल्में और पॉलिटिक्स को अलग अलग रहना चाहिए कि जो ट्रोलिंग? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 फिल्म को और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि अगर कश्मीर फाइल में जिसमें सिर्फ नफरत है, एक दूसरे समुदाय के खिलाफ नफ़रत है, झगड़ा है, ऐसी फिल्मों को अगर प्रधानमंत्री प्रमोट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो दो समुदाय हिंदू मुस्लिम है आपस में लड़ेगा मिलेगा नहीं। जब फिल्म देखते हैं लोग, बच्चे थिएटर में वही तलवार निकाल लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्मों ये जो कुछ हुआ है अगर वहाँ पर तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि इसको दिखा करके दो समुदाय के बीच में और गहरी खाई खोदी जाए। वहाँ जो कुछ हो रहा है यदि कुछ सही है तो सरकार जिसकी है वो उस पर कार्रवाई करे, और जो उसको प्रमोट कर रहा है सरकार उसी की है, तो वो उस पर रोक लगाने के बजाय जनता के बीच में लाकर नफरत फैलाना मैं समझता हूँ ये बहुत गलत चीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सालों से है लेकिन जो है सर नया शुरू कर रहे हैं सिटी वॉक को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिटी वॉक के बारे में हम सब जानते हैं और बहुत ही हम सबका, क्योंकि स्पेशली हम गर्ल्स हैं तो हमेशा हमारे फिट ब्यूटीफुल फिट के लिए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट हमेशा ढूंढते होते, तो हम हमेशा यहाँ आते हैं। ये ब्रांड हम सबका बहुत प्यारा है, बहुत लंबे टाइम से है, और अगर आज रिवाइज हो रहा है तो हमारे लिए डबल 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 खुशी की बात है, और मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। और ये जो है आज स्पेशल मौका भी है, सर का जन्मदिन भी है। अरे वाह, मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये अच्छा किया उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही ये रख लिया,
तो ये डबल धमाका है. मैं जब बॉम्बे में आई थी 2008 में, बांद्रा इज एंड हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी प्राइमरी इम्पॉर्टेंट लोकेशन, लाइक अ माइलस्टोन लोकेशन, एंड सिटी वॉक ऑलवेज कॉट माई आईज. एंड 2009 में यू नो दे स्पॉन्सर्ड माई पैजेंट, एंड यू नो आई सीन सिटी वॉक एंड द कलेक्शन एंड द ब्रांड ग्रो ओवर द ईयर्स. एंड नाउ रीमैप इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. Younger generation, younger colors, and you know, nicer designs, cooler styles. So I'm of course very excited because I've been associated with this brand forever. So I wish them great luck, and I'm always with City Mall. जी दो है, एक जहाँ चार यार विच इज़ रिलीजिंग ऑन द 16th ऑफ सेप्टेम्बर, एंड द नेक्स्ट अनदर वन इज आई रिसेंटली शॉट फॉर फिल्म विद विजय राज एंड अर्शद वारसी. इट्स अ कम्प्लीटली कॉमेडी फिल्म, इट्स डायरेक्टेड बाय अभिषेक डोगरा, एंड दैट शुड रिलीज बाय एंड ऑफ दिस ईयर. सो ये दो प्रोजेक्ट्स है. One is going to be theatrical, Jahan Chaar Yaar is a theatrical, and the other one is going to be an OTT release by November or December. So, COVID ne bahut lamba gap de diya. ये दोनों फिल्में 2021 एंड 2020 एंड 2021 में रिलीज होने वाली थी, बट एनीवे बेटर लेट देन नेवर. सो यार टू रिलीज दिस ईयर. थैंक यू, क्या कहना चाहेंगे सिटी वॉक के बारे में? बहुत सालों से ब्रांड तो गई, लेकिन अभी ये रिवाइव हो रहा है यंगस्टर्स के लिए. कितना कितने फैन है शूज के, थोड़ा सा अगर बताया. यार मैं इधर बाजू के एरिया से हूँ, तो बचपन में तो बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे यहाँ होते नहीं थे. दाऊद, सिटी वॉक, यही कुछ ब्रांड्स है जो आजकल के बच्चों को शायद पता भी ना हो. बट अच्छा है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिवाइव द शोर, इफ़ यू ट्राइंग टू कम्पीट विद द करंट ब्रांड, बहुत अच्छा है. क्योंकि इंडिविजुअल स्टोर जो है वो बहुत ही कम बचे हैं हमारे सिटी में. बहुत लोग मल्टीप्लेक्स और ब्रांड्स की तरफ चले गए. इट्स नाइस टू कम टू अ स्टोर, जैसे हम बचपन में आते थे स्कूल के पहले या कॉलेज जाने के पहले आते थे. बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टोर में आते हैं. सो इट्स गुड फॉर द फ्यूचर. भाई साहब खामोश रहो हम लोग. मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ. मुझे लगता है कि सोच ब्रांडेड होनी चाहिए. जूते ब्रांडेड होना हो चल जाता है. सो जो भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा दिखे वही पहनना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही पहनना. बिल्कुल बिल्कुल. हैप्पी बर्थडे सर. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे.